अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। वादी मुस्तफ़ा कॉलोनी इलाके में मुसलसिल अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर पानी की किल्लत है, ड्रेनेज का पानी लगातार बहने की वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। वाज़ह रहे कि हाल ही में कौंसलर इलेक्शन हुआ है और ये इलेक्शन में अवाम एतमाद करके कई जमात के नुमाइंदों को कामयाब किया था, लेकिन जब से ये लोग जीते हैं तब से अवाम का काम नहीं हो रहा है और न ही तो ये इलाकों में फिर रहे हैं। उल्टा अवाम चक्करा मार रही है, लेकिन अवाम को भी कोई मुतमईन जवाब नहीं दिया जा रहा है। म्युनिसिपल और मुकामी लीडरों की जानिब से लगातार अवाम को परेशान किया जा रहा है। उम्मीद है कि आला अहदेदार और हुकूमत की जानिब से ये गरीब अवाम के मसलों को समझेंगे और इनकी परेशानियों को दूर करेंगे। अमी हमीद के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। बात कर रहा हूँ, बारिश जितनी भी बार हो गई घरों में पूरा घुस गया, बर्तन सब गिर रहे और जो भी ड्रेनेज की लाइन हमारी पूरी भर गई, यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी भर गया, घर में पूरा घुस गया। इसीलिए मेहरबानी आप लोगों से, आगे ज़रा कुछ तो कुछ इंतज़ाम करो, पूरा पानी घर में घुस के प्लेटें सब तिर रहे हैं। इसलिए ज़रा मेहरबानी करके जो भी लीडर हमारे पास हैं उनसे मैं गुजारिश है, या आगे देख के जो भी हालात है देख के उसको हल कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं सऊद अवलगी, वार्ड नंबर 22, काउंसलर। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले बाजू की गली में COVID-19 हुआ था। मैं वो गली में मतलब पाउडर छिनकने के लिए कहा था सुबह में, वही देखने के लिए आया। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे, इंशाल्लाह उनकी बात सुनने को आया यहाँ पर। और यहाँ पर आवाम का कहना है कि यहाँ पर मोहरियाँ पूरे घरों में बह के जा रही। इंशाल्लाह इससे पहले भी ये लोग बोले थे, मैं आके देखा और मेरे से जितना हुआ मैं कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब को भी लाया था यहाँ पर, कमिश्नर साहब पूरा ड्रेनेज का इंस्ट्रूमेंट लेके गए। हो सकता वो होता नहीं होता नहीं मालूम, और पूरे म्युनिसिपल में कुछ काम नहीं हो रहा वो मैं भी बोल सकता हूँ। और सारे मीडिया को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 22 नंबर हो या कौन सा भी नंबर, काम नहीं हो रहा। कोई काउंसलर सब अपने जेबों से लगा रहे हैं अब तक जितना भी काम हो रहा। सो तो वजह क्या है काम नहीं होने की, वो बात हमारे खुद मालूम है। मीटिंग रख रहे हैं, हम लोग को मीटिंग में बुला रहे नहीं, उसके वजह से हम लोग ये खास, हम लोग जितने काउंसलर है TRS के, एक मैडम को एक मैनो मैडम दिए है, ये 8 दिन में हमारी बड़ी मीटिंग होंगी, ये पूरी जांच पड़ताल होंगी कि ये जितना मैडम बजट दिए वो कहाँ गया, उसके बारे में इंशाल्लाह वो सब पूरी आवाम के बीच में वो सारी बातें आएंगी और आवाम को खुद दिख के आएंगा कि आखिर ये काउंसलर खा ले रहे हैं या म्युनिसिपल चेयरमैन या कमिश्नर या जो भी बड़े ऑफिसर खा रहे हैं, वो इंशाल्लाह पूरों को दिख के आ जाएगा। चुनपल्ली कमिश्नर सर काफ़ी दिन से आवाम के बीच में नहीं, ऐसी क्या वजह है? नहीं, काफ़ी दिन से थे, थोड़े ही दिन से नहीं है, इसलिए कि उन्होंने भी एक इंसान है, भाग दौड़ जहाँ बोले वहाँ कर रहे थे। सुनने में आया कि उनको भी कुछ मिजाज ख़राब है इसीलिए नहीं आए। और थोड़ा स्टाफ है, स्टाफ बोले तो जितना म्युनिसिपल में रहना है उतना स्टाफ नहीं है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, जलपल्ली म्युनिसिपल बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर थोड़ा स्टाफ बढ़ाए तो थोड़ा हमारी आवाम को एक राहत होगी। लीडर क्या कर सकता, लीडर अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में भी करा, उससे पहले भी लीडर को भी घर आए और ख़ानदान है सबको लगे हुए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आवाम के बीच में रहते हुए कर रही, हाँ कुछ लोग ऐसे है पीठ पीछे भी करते, लेकिन म्युनिसिपल को मैं खास तौर पे ये तवज्जो देने के लिए बता रहा हूँ कि स्टाफ बढ़ाए। ये मोहरियाँ भरने के लिए सिर्फ इतने बड़े स्पॉट में 2 लेबर है बस, उन्हों कहते हैं कि शेख नहीं है उनके पास, कभी गाड़ी नहीं है, हम लीडर कभी गाड़ी मंगा लेते हैं पैसों से, कभी ये करते हैं। अभी तो बरसात का मौसम है, इंशाल्लाह अभी आवाम को बहुत सारी तकलीफ होंगी, उससे पहले हम म्युनिसिपल ऑफिस में फिर से जाएंगे, जाके ये बात बताएंगे कि बरसात में बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं, उससे पहले अगर स्टाफ बढ़ा के कुछ कर लिए तो अच्छा रहेगा। उनके एरिया कौन सा है? वादे मुस्तफा। हाँ जी, क्या परेशानी है आपको? मेरे घर में परसों 2 बार पानी पड़ा, 2 बार भी घर में घुस गया, रात के 2 बजे तक पानी उठा के फेंके, मई बच्चे पूरा सामान सत्रल हो गया, पूरा राशन भीग गया हमारा, इतना नुकसान हो गया हमारा, कोई आ रही नहीं, देख रही नहीं, बस ये ड्रेनेज के लाइन अगर बन गए, पाइप लाइन आ गई तो हमको बहुत सुकून हो जाता, कोई आ रही नहीं, कर रही नहीं इतना। वार्ड नंबर 22 से बात कर रही हूँ, मेरा नाम अक्षा है
और देखिए हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ड्रेनेज लाइन की। इससे पहले भी हम लोग बोल चुके हैं, हर ये प्रॉब्लम हमारे बस्ती में ड्रेनेज लाइन नहीं है। हम लोग को बहुत सारी सहूलतें भी कोई चीज़ की नहीं है, हम लोग के ड्रेनेज लाइन नहीं है। हम लोग को ड्रेनेज की वजह से अब तो ये बीमारी है, कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग को मुतासर हो रहे हैं, इतने दिन से परेशान हैं और हर एक चीज़ के लिए हम लोग परेशान हैं। घरों में पानी चले जा रहा, बरसात की वजह से घरों में पानी जाने की वजह से पूरे घर के बर्तन वगैरह सब तिर रहे हैं हम लोग के। कोई हम लोग को आके देखने वाला नहीं है, कोई बस्ती में कोई बड़ा आके हम लोग को कोई अच्छी बुरी के लिए हम लोग को कोई चीज़ के लिए भी कुछ करने वाले नहीं हमारी बस्ती से। हर किसी के सामने, लीडर्स के सामने, हर किसी के सामने हम लोग बोल के हमारे गली की, हमारी बस्ती की प्रॉब्लम बोल के हम लोग थक गए हैं। अब हमारी गली के लिए, हमारी बस्ती के लिए जो भी हमारे को मदद करने के लिए, जो भी हमारे हर चीज़ के लिए आ रहे हैं ड्रेनेज लाइन के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं बीमारियों से झुलस रहे हैं। और अब ये जैसे कि डेंगू की बीमारी भी आ जाती है, कचरा है, आप देख सकते हैं हमारी बस्ती के हालात भी आपके सामने है और शायद हम लोग के पास फोटोज भी है, जो पानी पड़ने की वजह से भी घर के हालात पूरे ख़राब हो गए हमारे यहाँ पे। बस यही बोलना है आप लोगों के, जो भी है हमारे गली के, हमारी बस्ती के लिए, जो भी हमारी ड्रेनेज लाइन, जो भी हमारी परेशानियाँ हैं, हल कीजिए, जो भी है बस आगे आके हल कीजिए। काउंसलर लोकल लीडर कौन है, काउंसलर कौन है? नहीं मालूम भाई हम लोग को, हम लोग नाम नहीं ले सकते किसी का भी, और उन लोगों के बारे में हम लोग बोलना नहीं चाह रहे कुछ भी। अब जो भी आके आगे आके हम लोग बस्ती के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, बस है हमारे को। Different culture, different traditions, different people, all under one roof, under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College, academic excellence with reasonable fee structure, excellent highly qualified faculty, well furnished and hygienic classrooms. And Partha Sardi, principal Success Junior College. Nowadays all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.